नमस्कार, कुई ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपके भी व्हाट्सएप पर स्टोरी नहीं लग रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है, और मोबाइल पे आने के बाद हम कुछ ऐसे स्टेप बताएंगे जिसके जरिए अगर आपके व्हाट्सएप पर स्टोरी नहीं लग रहा है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको अपने मोबाइल में स्क्रीन को आपको ऊपर से नीचे की ओर खींचना है, और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन ऑन है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है तो यहाँ से आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि कई बार लोग यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना भूल जाते हैं और वह अपने व्हाट्सएप पर स्टोरी लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण स्टोरी नहीं लगता है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का अपडेट आया हो तो यहाँ से आपको व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। अगर यहाँ से आपके फ़ोन में व्हाट्सएप का अपडेट नहीं आया हो तो सिंपल आपको यहाँ से कट कर देना है या आपको बैक करना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा कर देखना है कि अगर आपके फ़ोन में आपके व्हाट्सएप पर स्टोरी लग रहा है कि नहीं। अगर आपके व्हाट्सएप पर इतना से भी स्टोरी नहीं लगता है तो अब आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐप लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, अब आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें व्हाट्सएप को ढूंढना है। तो चलिए इसमें हम व्हाट्सएप को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में यहाँ पर व्हाट्सएप मिल गया है। अब हम यहाँ पर व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर स्टोरेज यूजेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्लियर चेस का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको क्लियर चेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डाटा यूजेज डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोन में यह चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो डिसेबल मोबाइल डाटा का ऑप्शन दिख रहा है यह आपके फ़ोन में ऑफ है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में यह ऑन हो तो सिंपल आपको यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको नीचे एक डिसेबल वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, अगर आपके फ़ोन में यह भी ऑन हो तो यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। यह दोनों आपके फ़ोन में ऑफ रहना चाहिए, तब आपका व्हाट्सएप काम करेगा। इतना चेक करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक करना है, और यहाँ पर अब आपको फिर से स्टोरेज यूजेज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और अब आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा के दिखना है। अगर आपके व्हाट्सएप पर स्टोरी इतना से लगता है तो ठीक है, अगर इसके बावजूद भी नहीं लगता है तो अब आपको यहाँ पर क्लियर डाटा करना पड़ेगा। क्लियर डाटा करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप व्हाट्सएप का यहाँ पर क्लियर डाटा करते हैं तो आप व्हाट्सएप पर जो भी चैट किए होंगे वहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा, वहाँ से वह पूरा क्लियर हो जाएगा, और वहाँ से आपका जो भी ये व्हाट्सएप का डाटा था वह रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले व्हाट्सएप को बैकअप कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर डाटा करना है। और इतना करने के बाद अब हम यहाँ से चलिए इसको कट करते हैं। अब हम अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा के देखते हैं। तो चलिए व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद स्टेटस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई एक स्टोरी लगा के बताते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कोई एक इमेज ले लेते हैं। तो चलिए हमको इस फोटो को यहाँ पर स्टोरी में लगाना है, तो इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा स्टोरी यहाँ पर जस्ट अपलोड हो गया है, और यहाँ पर मेरा स्टोरी लग गया है। तो इस तरह से अगर आपके फ़ोन में आपके व्हाट्सएप पर स्टोरी नहीं लग रहा है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।